हिंदुस्तान के अंदर जो आजकल कोरोना के हालात हैं वो देखे हैं। जगह नहीं रही, ये थर्ड वेरिएंट जो आया है इसमें तबाही। इंडिया में कोरोना वबा की तबाह कारियों के बाद पाकिस्तान ने अपने देर न हरीफ और पड़ोसी को जज्बा खैर सिंगाली के तहत वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीन, मास्क और दीगर पीपीएस फराहम करने की पेशकश की है, जिसके बाद ट्विटर पर पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया ट्रेन कर रहा है। सोशल मीडिया साइट पर पाकिस्तान की जानिब से जज्बा खैर सिंगाली की तारीफ की जा रही है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने इंडिया में कोरोना से हलाकतों पर इंडिया के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए कहा था कि कोरोना की जानिब से दरपेश चैलेंज से पाकिस्तान और इंडिया को मिलकर निमटना चाहिए। पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर शुएब अख्तर ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर हुकूमत पाकिस्तान और अपने पाकिस्तानी फैन से अपील की कि वो कोरोना की दूसरी लहर से निमटने में इंडिया की मदद करें। शुएब अख्तर ने कहा कि कोरोना के बहरान में इंडिया को बैन उल अक्वामी मदद की जरूरत है। सवारा भास्कर ने इंडिया के लिए तशवीश का इजहार करने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब अख्तर का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, शुएब अख्तर जी, हम आपकी हमदर्दी और जज्बा इंसानी के बहुत मशकूर हैं। बॉलीवुड एक्टर सवारा भास्कर ने पड़ोसी मलिक की जानिब से इस जज्बा खैर सिंगाली को सराहा है। सवारा भास्कर ने ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तान का इंडियन मीडिया की जानिब से बदनाम करने की मुहिम चलाने के बावजूद बड़े दल के पड़ोसी होने का सबूत देने पर शुक्रिया अदा करती हूँ। सवारा भास्कर ने लिखा, ये देखना अनथाई खुशी का बाइस है कि इन तबाहकुन लम्हात में पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और सोशल मीडिया इंडिया के साथ इजहार यकजहती और हमदर्दी कर रहा है। ये उसके बावजूद हो रहा है कि हमारा मीडिया और हमारा अवामी बयानिया मुसलसल पाकिस्तान का मजाक उड़ाता और बदनाम करता रहा है। पड़ोसी, आपके बड़े दल के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ में बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ मैसेंजर पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर।